जब किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो उस औरत पर इद्दत गुजारना जरूरी है। जिसकी तफसील है, तफसील ये है, अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए और उसकी बेवा अगर हमल से है तो अलग मसला है, और अगर हमल से ना हो तो अलग मसला है। सबसे पहले हम यहां पे समझेंगे कि अगर बेवा हमल से ना हो तो उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है। सूरह बकरा आयत नंबर 234 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10 صدق الله العظيم। जिसका तर्जुमा यह है, जब तुम में से कोई शख्स अपनी बीवियां छोड़कर फौत हो जाएं तो वो बीवियां 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारें। तो इस वजह से अगर बेवा हमल से ना हो तो 4 महीने 10 दिन इद्दत के गुजारे। एक मसला यहां पे ये समझें, अगर शौहर का इंतकाल इस्लामी महीने के यानी चांद की पहली तारीख को हो तो ऐसी सूरत में 4 महीने 10 दिन इद्दत के गुजारेंगे, चाहे कोई महीना 29 तारीख का हो या 30 तारीख का हो, बस महीना देखेंगे 4 महीने 10 दिन, चाहे 130 दिन मुकम्मल हो या ना हो। और अगर इस्लामी महीना यानी चांद की पहली तारीख को इंतकाल ना हो, उसके अलावा कभी भी इंतकाल हो, तो ऐसी सूरत में मुकम्मल 130 दिन यानी 4 महीने 10 दिन इद्दत के गुजारेंगे। अब हम यहां पे दूसरा मसला समझेंगे, जब किसी शौहर का इंतकाल हो और बेवा हमल से हो तो उसकी इद्दत बच्चे की पैदाइश है। जब कभी बच्चा पैदा हो जाएगा, हमल बच्चे की पैदाइश होगी, उस वक्त उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वउलातुल अहमाल अजलहुन अन यज़ान हमलहुन सदकल्लाहुल अज़ीम, सूरह तलाक की आयत है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हमल वालियों की इद्दत वज़ए हमल है। अगर हमल यानी बच्चे की पैदाइश इन 4 महीने 10 दिन के अंदर हो तो उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी, और अगर इन 4 महीने 10 दिन के अंदर बच्चे की पैदाइश ना हो, ऐसी सूरत में उस हामिला औरत की इद्दत भी 4 महीने 10 दिन यानी 130 दिन शुमार होंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।